अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस, आज हम बनाने लगे हैं मटन हलीम, जिसके लिए मैंने मटन लिया है 1/2 kg, और दालें मैंने जो हैं सुबह ही भिगो दी थी। तो उसमें है मसूर की दाल, मूँग की दाल और चने की दाल, और साथ में है चावल। तो इन सब की जो है क्वांटिटी है 1/2 cup। तो पहले हम इन चीज़ों को गला लेंगे, उसके बाद फिर मसाला भूनेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेट लगा लेती हूँ मिक्स दालों को, जिसके लिए पहले दालें डाल देते हैं सारी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी 1 teaspoon, हल्दी डालेंगे। और 1 teaspoon ही नमक डाल देंगे। पानी जो है वो मैं डालूंगी दालों के हिसाब से, तो इतना पानी बहुत है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाती हूँ। तो व्यूअर्स, दालें जो हैं वो गल गई हैं। अब इसमें मैं 1 cup ओट डालूंगी, इसे जौ का दलिया भी कहते हैं। ये डाल के तो फिर मैं इसे हल्की आंच पे भी पकने के लिए रख दूंगी, ताकि दलिया गल जाए अच्छी तरह से। तो गाइस, अब मैं मटन रखूंगी गलने के लिए ऊपर, जिसके लिए हम मटन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बना लेते हैं मसाला हलीम के लिए। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, और साथ में ही प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए। इनको भी लाइट ब्राउन करूंगी मैं हल्की आंच पर। थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, अब जो है प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, साथ में 2 चम्मच डालेंगे। इसमें अब डालते हैं मसाला। मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ हलीम मसाला जो है नेशनल का। ये इसमें डाल देते हैं, फिलहाल 2 चम्मच डालते हैं। और
उसके बाद जो है ये गोश्त गल गया था अच्छी तरह से, फिर मैंने इसके रेशे कर लिए। ये देखिए रेशे जो है मैंने चॉपर में किए हैं। चलें जी आप गोश्त डाल देते हैं। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं जो कि हम हलीम के ऊपर डालेंगे। हलीम के बगैर तो हलीम का मज़ा ही नहीं आता। ये देखें ये जो दालें मैंने गलाई थी वो हैं, अब इनको मैं डाल दूँगी मसाले के अंदर। चलें जी इधर हो गया मसाला रेडी, और इसमें मैंने यखनी और डाली थी, तो इसे मैं ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं और जो मुझे यखनी है वो उसके अंदर। साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। तो गाइस हलीम हो गया रेडी, और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए हलीम का जो है इस तरह से होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है तो व्यूवर्स हलीम तो हो गया है रेडी, अब इसे करते हैं ट्राई। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।